भाई पेंशन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट है हमारी माँ। और हम क्या, जितने पेंशनर है चाहे वो पूर्व सैनिक है या सिविल से, ठीक है, वो है उनके बच्चे। और जो पेंशन वो है दूध, जिसके लिए बच्चा रोता है तो माँ दूध जब पिलाती है। हम तो पूर्व सैनिकों ने एक साल धंधा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ, खूब रोए हम तो, मगर माँ ने दूध नहीं पिलाया हमारी। माँ निकम्मी होगी भक्की यार के साथ, ठीक है। मैं तो खैर मरी मरी मराई माँ को बदनाम नहीं करूंगा, मगर जो नकली माँ थी ना, जो मैं पेंशन दूध दूध दे रही थी, वो भागी भाई सरकार सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। लगातार ईपीएस 95 का जो आंदोलन है वो जोर पकड़ता जा रहा है, और पूरे देश से उस नंबर पे, जो नंबर मैंने बताया 8375009595 पर कॉल आ रही है, और लगातार लोग कह रहे हैं कि दिल्ली चलो। आज भी महाराष्ट्र के जो जगह से कॉल आई कि कब आना है मनोज जी, कब आना है। मैंने कहा रुकिए, थोड़ा और सख्ती बढ़ाइए, धीरज रखिए, बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा। और आपका पेंशन का मुद्दा अब देश व्यापी होता जा रहा है, अब ये कोई छोटा मुद्दा नहीं रहा है। मैंने कहा ना, पूर्व सैनिक भी, कल एक बिटिया आई थी पलक, उसने बोला कि भाई यहाँ 500-700 रुपए में होता क्या है, 750 रुपए में होता क्या है। पूर्व सैनिक भी इसके साथ जुड़े, उन्होंने कहा हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है ईपीएस 95 का, और बहुत कम पैसा मिल रहा है। आज हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं एक, और वो सैनिक हैं और सेना से रिटायर्ड हैं, और कहते हैं, बहुत सारे सैनिक भी अपनी बातें उठा रहे हैं, वो चाहे ओआरओपी की हो चाहे अन्य, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि ओआरओपी की तो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले तो मैं इन वृद्धजनों की बात करूंगा। तो ऐसे ही पूर्व सैनिक से मैं आपका परिचय कराता हूँ। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं सेना से रिटायर हूँ, मुझे 25 साल हो गए रिटायर हुए, 26वीं साल रनिंग है मेरी। मैं 1998 फरवरी को 100 से आउट हुआ था। कौन सी उसमें थे? मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में था, आर्मी एविएशन में मैं पोस्टिंग था, वहां से मैं रिटायर होकर आया आर्मी एविएशन। अच्छा सर, क्या लगता है आपको ये जो सर, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये जो ईपीएफ वाली समस्या है, फौज से आने के बाद मुझे भी कहीं नौकरी नहीं मिली, मैं भी सालों तक धक्के खाते रहा। लास्ट में मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी ज्वाइन की, शर्म लगती थी क्योंकि कहाँ एक फौजी वर्दी, एक देश की शान है वो, और कहाँ एक बैंड पार्टी पहन के, बैंड पार्टी पार्टी बोलूंगा बड़े गरीबी, गरीब लोगों की मजबूरी है कि ये जो नाम है ठेकेदार मगरमच्छ बन के बैठे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो पैसा वापस नहीं आता है। पीएफ वाला जो है, पहले तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि भाई डबल वो हम पैसा अपना विड्रॉल करते थे तो हमारा भी आता था, फैमिली पेंशन का अलग से आता था। आजकल ये बंद ही कर दिया, फैमिली पेंशन का पैसा आता ही नहीं है। वो तो मेरा भी वही मर्ज कर दिया। और जो लोग उनके बहकावे में आ गए कि ये फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये 700-800 रुपए देते हैं, 900 रुपए मुश्किल से देते हैं, 900 से भी नहीं होते पूरे भाई साहब। 900 रुपए में क्या होता है, मैं तो फौज से रिटायरमेंट हूँ, ओआरओपी का तो मैं मुद्दा नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। जो पेंशन मिली है उसमें गुजारा मेरा मुश्किल है। ओआरओपी में भी कह रहे हैं कि बहुत सारी विसंगतियां है, उसमें भी पैसा तो मिला लेकिन अफसरों को ज्यादा मिल गया। और ओआरओपी की ये भी बात कहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, आप भी उस आंदोलन में लगातार, मैं भी लगातार जाता रहा हूं उस आंदोलन में, मगर मैं उस बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, एक सैनिक अपना नियम है, मुद्दा अलग है। लेकिन सैनिकों को मैं बता दूं कि पूर्व सैनिकों ने भी इस मुद्दे को समर्थन किया है, और वो भी कह रहे हैं कि ओआरओपी का मुद्दा भी हम लोग उठाएंगे, क्योंकि हम भी लगातार उठाते रहे हैं ओआरओपी का मुद्दा। और ओआरओपी के मुद्दे में वही विसंगतियों की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है, बहुत सारी है। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि आज मैं सिर्फ उनके दर्द से मेरा दिल भर आया है, जो ईपीएस 95 वाले, एक फौजी कह रहा है मेरे को अपना कुछ नहीं चाहिए, मुझे ओआरओपी, आप चाहे सबसे पहले काम करो कि मेरे देश के बुजुर्गों का सम्मान करो। तो ये भाव है एक सैनिक का, ये भाव सैनिक ही कर सकता है कि त्याग, कि भाई मेरा मुद्दा पीछे रखो, मैं अपने मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, मैं ईपीएस 95 पे बात करूंगा। बताइए सर। भाई साहब बहुत सही बोला आपने, ईपीएस 95 जो है, जो बुजुर्ग आदमी है, एक तो सबसे पहले देश की हमारी क्या सरकार है, कोई भी सरकार है, उन्होंने जो पेंशन बंद कर दी ऑल डिपार्टमेंट्स की, पर सरकारी आदमी थे उनकी पेंशन बंद हो गई, ओपीएस की जगह एनपीएस ले आए, अभी एमपीएस ले आए, तो एमपीएस में लोग झांसे में आ गए, उनको पता नहीं था, क्योंकि जब कोई उनको चीज चाहती है ना, नहीं तो मालूम नहीं होती है, और लोग फंस जाते हैं। तो फंसना क्या है कि अभी जैसे कि पेंशन ये दे रहे हैं, उस फंड को भी विड्रॉल नहीं कर रहे जो बचा हुआ है। अगर जो हमारा पैसा जो बचा हुआ है ना भाई, हमने फंड विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा दिया वहां, तो हमारा उसमें से पैसा कुछ ही मिलता है, हमें 75% के लिए 70% मिलता है, बाकी पैसा जो है गवर्नमेंट रख लेती है कि आपको इसे जो है
पेंशन के रूप में देंगे और पेंशन मिलती है टोटल 800-900 रुपए, उसमें क्या होगा भाई, इससे ज्यादा भीख मांगने बैठ जाए ना किसी मंदिर के सामने, तब कटोरा बढ़ जाएगा सुबह से शाम तक सिल्वर का, और जब महीने में इसको जोड़ेंगे तो कई हजार बैठेगा ये भीख। देखिए कितनी कितनी बात कर रहे हैं, ये दर्द झलक रहा है। एक पूर्व सैनिक कह रहा है, पूर्व सैनिक कह रहा है ओआरओपी की बात तो हम उठा रहे हैं, लेकिन ओआरओपी वाले भी हमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सैनिक कह रहा है सबसे पहले अगर कहते हैं कि घर में सम्मान होता है तो बुजुर्गों का होता है, जो ईपीएस 95 वाले हैं उनका मुद्दा सबसे गंभीर है। कहते भी हैं कि जिसको इमरजेंसी होती है सबसे ज्यादा, हॉस्पिटल के अंदर भी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको सबसे पहले इलाज मिलना चाहिए। इस समय जो ईपीएस 95 वाले हैं उनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है। बाकी पूर्व सैनिक भी अपना कहीं ना कहीं से गुजारा चला रहे हैं, अपने उसके लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिल्कुल ही जिसको जो कहते हैं वेंटिलेटर पे आ गया है, जो कहते हैं जो बिल्कुल ही एकदम हेल्पलेस हो गया है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो है ईपीएस 95 का पेंशनर। सर आपको क्या लगता है जो सरकार ऐसे कर रही है तो कुछ होगा क्या? हम लोगों ने आह्वान किया है कि दिल्ली आना चाहिए, मैं लोगों को बुला भी रहा हूँ, लोग कह भी रहे हैं, लगता है कि अब दिल्ली आने के बाद ही बात बनेगी? क्यों नहीं, लोगों को जो इसके बारे में खुल के बोलना चाहिए और दिल्ली आके सरकारों को जगाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि किसी को आजकल सारा जितना भी है वो पैसे पे ही टिका हुआ है, किसी का बेसिक अच्छा नहीं है, अगर किसी की पूरी जिंदगी चली गई है मेहनत करते करते और उसे आज कुछ भी नहीं मिल रहा, सरकार उसकी सुन नहीं रही, तो कहाँ जाएंगे लोग? वो दिल्ली आएंगे, समर्थ लोगों के इकट्ठे होंगे तो तभी कुछ हो पाएगा। देखिए संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे। आपने एक बात और कही जो अभी ऑफ कैमरा आपने कही कि भाई जो वृद्ध पेंशन है वो भी 2,500-3,000 रुपए है, क्या विषय? देखो इस बात को तो मानना पड़ेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी वृद्धा पेंशन जो है 3,000 रुपए की हुई है मैक्सिमम, स्टेट गवर्नमेंट इतना ही दे रही है। तो अब कहाँ वो स्टेट गवर्नमेंट जो उनका केंद्र सरकार जो इतना पैसा दे रही है उनको तो फ्री में दे रही है, चलो उनके बच्चे नहीं देखभाल करते, सब जब 3,000 में भाई अपना किसी चीज को खाने को मन करे। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम ये है कि वृद्ध पेंशन भी नहीं ले सकते क्योंकि इनका पैसा है, तो इनको ये मना कर रखा है कि आप वहां से पेंशनर हो, आप तो पेंशनर हो, मगर उसको पूछो से कितनी पेंशन ले रहे हैं हम, वो और पेंशन बताने में भी शर्म लगती है भाई साहब की कितनी पेंशन मिल रही है, 3,000 मिल रही जी, कितने 900 मिल रही है जी, ज्यादा ज्यादा 3,000 ही है किसी डिपार्टमेंट में। अभी तनखाएं तो बहुत से डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा थी, जैसे कि प्रगति मैदान हो गया, ITDC हो गई, इनमें जो है 70-70, 80-80 हजार, 1,20,000 तक सिक्योरिटी गार्डों की तनखा दी थी परमा स्टाफ की। अब रिटायरमेंट होने के बाद क्या उनकी बताते हैं जी, 3,000 मिल रही है, 2,700 मिल रही है, ये है पेंशन उनकी, बताओ 3,200 मिल रही है, ये पेंशन है, शर्म नहीं आती है? यार तुमने इतनी बढ़िया नौकरी करी आज तुम पेंशन दे रहे हो भाई, इतनी बढ़िया नौकरी नहीं है जब 1,20,000-25,000 तुम 1,25,000 रुपए का पैकेज उठा रहे हो हर महीने और पेंशन के रूप में क्या मिल रहा है 3,000 पल्ली, शर्म नहीं आती भाई? जब एक आदमी 1,25,000 पेंशन पेमेंट ले रहा है, कम से कम 30-35-40,000 तो पेंशन होनी चाहिए उसकी, और नहीं है तो सम्मानजनक तो हो, सम्मानजनक तो किसी को बताने में तो ना जिसके आदमी, और अपना काम चला ले, अपना काम चलाए। आजकल जनरेशन ऐसी आ गई है माँ बाप को अगर है पैसा तो साथ लगा देते, धक्का मार देते हैं, कई आश्रम छोड़ धक्का मार देते हैं कि चाहिए आश्रम चले जाओ, आश्रम चले जाओ, वृद्धा आश्रम कहाँ जाएगा, वृद्धा आश्रम है तो भैया चला जाएगा, नहीं तो बेचारा रोड में बैठा रहेगा। मैंने कई देखा है ऐसी ऐसी कई खबरें आती हैं कि लोग बुजुर्ग लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं और बस उनको बच्चे नहीं घुसेड़ रहे अंदर, आज उनके पास कुछ होता, आज वो समर्थ होते तो शायद बच्चे भी इज्जत करते। खैर बच्चा तो लायक है तो वो इज्जत करेगा चाहे अपने माँ बाप कैसे भी है, लेकिन जो नालायक बच्चे तो कम से कम अगर वो हट गए, नालायक बच्चे ना करें तो कम से कम पैसा सबसे बड़ा बेटा होता है, बच्चा होता है, पैसा है वो होता है, जो कहते हैं किसी के दो बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा उसका पैसा है, उसकी पेंशन है, पेंशन लाठी है बुढ़ापे की, और उस लाठी को सरकार ने तोड़ दिया, वो पूरी जिंदगी काम इस उम्मीद में किया कि कोई नहीं देगा तो मेरी पेंशन तो है मेरे साथ, मेरी पेंशन मेरे बेटे का काम करेगी, सेवा करेगी, और वो बेटा ही इतना कमजोर कर दिया भाई साहब। ऐसा है देखो बुढ़ापे में क्या है, 4-5 रोग लग जाते हैं जन्मजात जो कि कभी जाते नहीं है, शुगर होगी, बीपी होगी, घुटनों का दर्द हो गया, ठीक है, और कई डाइजेशन खत्म हो जाता है, किसी को मेडिकल भी कोई फैसिलिटी नहीं, मेडिकल में तो कुछ है ही नहीं, जाकर सरकार हॉस्पिटल लाइन लगा लो आप, नंबर भी आएगा 4-5-6 महीने, मान लो एक्सरे की भी डिटेल मतलब डेट दी तो 1 साल के नंबर बाद में एक्स्ट्रा आएगा, कोई गंभीर समस्या है किसी को
मैं खुद बताता हूँ, मेरे भाई साहब ITC में सर्विस करते थे, ITT छोटे दलपत के अंदर थे वो, वहां से उस टाइम तो बड़ी अच्छी तनख्वाह थी उनकी, 80-90 हज़ार तनख्वाह थी, मगर जब रिटायरमेंट हो तो उनको क्या 3,000 बड़ी मुश्किल से मिलते, मेरी भाभी खत्म हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ ब्रेंडिंग हॉस्पिटल RML में उन्होंने टेस्ट कराया था, किडनी का ऑपरेशन कराया, एक साल लग गई थी उसमें डेट देने के लिए, फिर हमने कहीं पैसे दू दे करके उसका ऑपरेशन कराया, वो ऑपरेशन भी फेल हो गया, उनका फिट नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, और फिर उनको एक बार उनकी आंखों की लाइट चली गई, आंखों की लाइट का ऑपरेशन होना था पंथ हॉस्पिटल के अंदर ही, पता नहीं कौन सा हार्ट का या किसी का, एक हफ्ते पहले वो गिर गई, वो वेंटिलेटर पर आ गई, और वेंटिलेटर पर आने के बाद जो खत्म भी हो गई। देखिए कितना गंभीर हालात है देश के अंदर, एक कहते हैं एकदम सशक्त बुजुर्ग था जो एक अच्छा खासा जीवन जी रहा था, अचानक उसको दरिद्र बना दिया जाता है और सरकार की योजनाएं उसको दरिद्र बनाती है। कोई नौकरी कर रहा था तो भले ही पूरी था, सबको खिला रहा था, खा रहा था, उसी हिसाब से उसके खर्चे भी मेंटेन थे, लेकिन अचानक उसको इतना निचले स्तर पर गिरा दिया गया। और एक पूर्व सैनिक ये कह रहा है, पूर्व सैनिक साफ साफ कह रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ये अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय के लिए जो हमने आह्वान किया है दिल्ली चलो का, सर हमने कहा है कि भाई दिल्ली चलो और अब की बात जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। भाई साहब देखो ऐसा है, पेंशन तो गवर्नमेंट ने देनी है, भाई पेंशन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट है हमारी माँ, और हम क्या जितने पेंशनर हैं चाहे वो पूर्व सैनिक है या सिविल से, ठीक है, वो है उनके बच्चे, और जो पेंशन वो है दूध, जिसके लिए बच्चा रोता है तो माँ दूध जब भी पिलाती है, हम तो पूर्व सैनिकों ने एक साल धंधा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ, खूब रोए हम तो, मगर माँ ने दूध नहीं पिलाया हमारे, माँ निकम्बी होगी भग्गी यार के साथ, ठीक है। मैं तो खैर मरी मरी मराई माँ को बदनाम नहीं करूंगा, मगर जो नकली माँ थी ना जो हमें पेंशन रूप दूध दे रही थी वो भागी भाई सरकार उसने हमें दूध दे दिया एक साल जो हम बैठे रहे। देखिए एक साल से पूर्व सैनिक बैठे हैं और 8-10 साल से पेंशनर बैठे हैं EPS 95 के। अब देखना ये होगा कि दिल्ली चलो का आह्वान जो दिया है उस पर कितने लोग तैयार होते हैं और दिल्ली चलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जब अपना हक लड़के ही लेना पड़ता है, अगर आपका हक नहीं मिल रहा है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, और लोकतंत्र में बड़ा सशक्त जरिया है आवाज उठाने का चुनाव। आपको क्या लगता है कि अब हमें खुद सरकार बनना पड़ेगा? अगर हमें खुद सरकार बनना पड़ेगा तो आइए दिल्ली आइए, आपका स्वागत है, पूर्व सैनिक भी तैयार हैं और वो भी आपकी लड़ाई के लिए आपको समर्थन करेंगे कि भाई सबसे पहले अगर किसी को कुछ मिले तो EPS 95 को मिले। पूर्व सैनिकों की विसंगतियां हैं, वो भी अपना मुद्दा एक साल से उठा रहे हैं, 20 फरवरी से धरना हुआ, लाखों लोग आए पूर्व सैनिक और उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से किया, वो भी हताश हो गए, पूर्व सैनिक भी हताश है, EPS 95 वाले भी हताश है, और OPS वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी हताश है, वो भी परेशान है, वो भी कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब यही नारा समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, उठ जाओ, जागो और अपने आप को कमजोर मत समझो, संगठित हो जाओ और अपने अपने क्षेत्र में टीमें बना लो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीमें बना के मुझे इन्फॉर्म करो, और बन भी रही हैं टीमें, मैं आपको सूचना दे दूं कि बहुत महाराष्ट्र में बड़े अच्छे स्तर पर, महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, दिल्ली तो है ही है, दिल्ली तो हम दिल्ली में तो बैठे ही हैं, यहाँ पर तो काफी जगह से मुझे सूचना आई है, और उत्तर प्रदेश से भी बहुत, गाजियाबाद से लोग तैयार हुए, कई जगह से तैयार हुए, मतलब मोटी मोटी सब जगह से लोग तैयार हो रहे हैं, टीमें बना रहे हैं, अभी गुजरात से भी मेरे पास कॉल आया था तो वो भी तैयार है, तो आपकी अच्छा सबसे तेज महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि यार भैया बताओ हम तो तैयार हो गए, कब आना है हमें, तो महाराष्ट्र वालों से कहूंगा थोड़ा सा सबर करो, क्योंकि सब लोग एक साथ जब इकट्ठे हो जाएंगे तभी मैं बुलाऊंगा ना, एक महाराष्ट्र को बुला लेने से अभी काम नहीं बनेगा, पूरे देश में धीरे धीरे अलग जगाना है, महाराष्ट्र वाले ये करें तब तक और ज्यादा बड़ी टीम कर लें अपनी। जो महाराष्ट्र वाले आज मुझसे पूछ रहे थे कौन सी ट्रेन कौन सी डेट बताओ सर उस पे हमें आना है, मैं उनसे कहूंगा आप कोशिश करो तब तक और टीम बढ़ाओ, और मैं तब तक कोशिश कर रहा हूँ और राज्यों की टीमें भी संगठित हो जाएं और जिलों की टीमें भी संगठित हो जाएं, और जैसे ही सब संख्या भारी हो जाएगी मैं दिल्ली इन्वाइट कर लूंगा आपको, और जल्दी ही मैं इन्वाइट करूंगा, और दिल्ली इन्वाइट करके फिर हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।